وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين ये सूर अनाम की आयत नंबर सात से नंबर ग्यारह तक मैंने आपके सामने तिलावत की है इस आयत करीमा में अल्ला तबारक तश्रक़िन अरब की एक हटदर्मी का जिक्र फरमाया है और वो ये के अगरच रसूल करीम सरवरम सल्ह्ह्लम की तरफ से बहुत से मज़जात उनके सामने आ चुके थे करीम का किरदार अखलाक उनके उनके सामने आ चुका था उसके बावजूद वो नित नए मुतालबे करते रहते थे कि हमें फला मौजा दिखाइए फला मौजा दिखाइये और उसकी वजह से बाज सहाबे कर राम और किसी वक्त रसूल करीम सल्लाम को भी यह ख्याल होता था अपनी उम्मत पर शफकत की वजह से कि जो कह रहे हैं कि हमें यह फुला मौजूदा दिखा दीजिए तो दिखाई दिया जाए ताकि ये ईमान ले आए और अल्लाह ताला की तरफ से वो दिखाया नहीं जा रहा था तो बाद दिल में यह ख्याल होता था कि हम इनकी हिदायत के लिए अगर जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर ले तो अल्लाह तबारक वाल ने इस सूरत हाल के ऊपर इन आयात करीमा में तबसरा फरमाया उनका एक मुतालबा ये था कि वो हमारे पास किताब बराह क्यों नहीं आ जाती ये रसूल करीम सल्लाम पर नाजिल होकर जो हमें पहुंचाई जाती है इसके बजाय बरह रास पर किताब नाजिल हो जाए और बाद उनका मुतालबा ये होता था कि कोई फरिश्ता आ जाए रसूल बनकर या कम अज कम रसूल करीम वसल्लम के तस्दीक के लिए तो हमें यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के पैगम्बर हैं तो इन मुतालबात पर अल्लाह ताला ने इन आयात करीमा में तबसरा फरमाया है और इन शबहत का जवाब दिया है तो यहाँ पहले मैं इन आयात का तर्जमा अर्ज करता हूँ उसके बाद फिर इसकी थोड़ी सी तशरी कुरान करीब में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अगर हम तुम पर कोई ऐसी किताब नाजिल कर देते जो कागज पर लिखी हुई होती फिर ये उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते तो जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो फिर भी यही कहते कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं और ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता फिर उनको कोई मोहलत न दी जाती और अगर हम फरिश्ते ही को पैगंबर बनाते तब भी उसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाते और उनको फिर हम उसी शुबे में डाल देते जिसमें यह अब मुबतला है और पैगंबर ए पैगंबर हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है लेकिन नतीजा यह हुआ कि उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे इन काफिरों से कहो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो पैगंबरों को जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ आयत में पहले तो उनके इस मुतालबे का जिक्र है कि वो कहते थे कि हमारे ऊपर किताब बरह रास्त नाजिल हो जाए और वो किताब किसी कागज पर लिखी हुई हो अल्लाह तबारा को मताल फरमा रहे हैं कि ये इनका मुतालबा सिवाय हटदर्मी के कोई और कुछ और नहीं है अगर बिलफर्ज हम उनको किताब कागज पर लिखी हुई उतार कर भी नाजिल कर दे हाथों से उसको छू कर भी देख ले फिर भी ये उस पर ईमान नहीं लाएंगे यानी उन्होंने तय कर रखा है कि हमें ईमान नहीं लाना तो अब वो अगर ये उनका मुतालबा पूरा कर भी दिया जाए तो भी हमारा इल्म अजली ये फरमाता है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है सुनते फरमाया भला का किताबन फिक्रता अगर हम तुम पर कोई ऐसी किताब नाजिल करते जो कागज पर लिखी हुई हो फलामसूह भी अदीम फिर ये उसे अपने हाथों से छू कर भी देख ले तो लकाल कफरू जिन लोगों ने कुफर अपना ही रखा है वो फिर भी यही कहेंगे कि इनहाजा अल्लाहर मुबीन ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं इस तरह कुरान करीम जो एक वजह खुद मोजा है उसके बारे में भी ये लोग कह रहे हैं कि ये एक जादू है बाजार जादू कह देते हैं बाज़त शायरी कह देते हैं इसी तरह अगर ये आ, किताब भी इस तरह नाजिल कर दी जाए तब भी वो उसको सिर्फ जादू कहेंगे और किताब इनके ऊपर नाजिल करने का मकसद यह है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास बराह रास्त हर एक आदमी के पास किताबुल्लाह आ जाए तो अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि कभी किताब बगैर पैगंबर के नहीं भेजता पैगंबर बगैर किताब के आ जाते हैं लेकिन किताब बगैर पैगंबर के नहीं आती और वजह यह है कि किताब कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में इसलाह करने का जरिया नहीं होती कोई भी इल्म और फन वो महज किताब की बदौलत हासिल नहीं हो सकता जब तक कि कोई उस्ताद ना हो कोई मालिम ना हो तो अगर इनके पास हरे के पास एक किताब आकर उतर जाती और उसके कागज पर लिखी हुई और उसको ये हाथ लगा के भी देख लेते तो ये अपने आप को रसूल से मुस्तगनी समझते किताब हमारे पास बरह रास्त आ गई लिहाजा अब हमें रसूल की कोई जरूरत नहीं तो उस सूरत में यह होता के ये केर रास्त किताब पढ़ते और किताब पढ़ के बजाय फायदा उठाने के गुमराह होते क्योंकि रसूल को तो भेजा ही जाता है किताब की तस्री के लिए जैसे कि अगर कोई किसी इल्मन की किताब और मेडिकल साइंस की किताब है वो एक आम आदमी के सामने आ जाए और वो उसको पढ़ के डॉक्टर बनना चाहे तो नहीं बन सकता जब तक कि किसी उस्ताद से तरबियत हासिल न करे तो अल्लाह ताला की है कि वो किताब तन्हा नाजिल नहीं करता बल्कि उसके साथ मालिम के तौर पर रसूल भेजता है तो इसलिए ये मुतालबा एक तरफ तो ऐसा है कि यह उसके पूरा हो जाने पर भी ईमान लाने वाले नहीं है अपने हरदर्मी की वजह से दूसरे अल्लाह के, के खिलाफ है कि किसी को इस तरह किताब दे दी जाए बगैर दूसरा उनका मुतालबा था कि तो नाजिर किया जाए वकाल मलक अब इसके दो मतलब है एक मतलब यह दोनों किस्म के उनके मतालबाते थे एक मतलब तो हमें इंसान क्यों पैगंबर बना के भेजा जा रहा है हमेरा जैसा इंसान जो खाता है पीता है चलता है फिरता है तो कोई फरिश्ता आता जो हमें पैगंबर बनकर आता तो हमें अल्लाह का पैगम पहुंचाता दूसरा उनमें से ये कहते थे कि इन रसूल के साथ कोई फरिश्ता आता क्या एक रिवायत में आता है कि किसी ने मुताबे किया था कि ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे लेकिन बशरते के आप चार फरिश्ते हों जो आए और आकर हमको बताएं कि ये वाकई अल्लाह के पैगम्बर तो दोनों बातों का यहाँ जवाब दिया गया कि कुरान क्यों एक फरिश्ते पर नाजिल नहीं हुआ फरिश्ते क्यों रसूल बनाकर नहीं भेजा गया या फरिश्तों को तुम्हारे सामने तस्दीक करा करके क्यों नहीं भेजा गया तस्दीक करने के लिए क्यों नहीं भेजा गया तो उसके दो जवाब दिए तुबारक जवाब यह है कि पहले तो जरा सोचो कि फरिश्ता अगर आए तो अपनी असली शक्ल में आए या इंसान की शक्ल में आए अगर फरिश्ता अपनी असल शक्ल में आता है तो इनके अंदर ताकत नहीं है कि उसको देख सके क्योंकि फरिश्ता फरिश्ते की जो है अल्लाह ताला ने बनाई है वो इंसानों के लिए एक ऐसी शक्ल है कि जिसको देखकर इंसान डर जाए यहाँ तक कि खुद रसूल करीम सल्लाम के सामने जब हजरत जबरी अमीन सलाम असली फरिश्ते की सूरत में ज़ाहिर हुए तो आप पर गिर रहेगी तो इंसान के अंदर फरिश्ते को अपनी असल सूरत में देखने की ताकत ही नहीं इसलिए फरमाते हैं मतलब मल ना मलकम और अगर हम फरिश्ते को नाजिल करते तो मामला ही तमाम हो जाता मामला तमाम होने के दो मतलब है एक मतलब तो ये कि ये उनको देखकर बर्दाश्त ही ना कर सकते और खत्म हो जाते हैं। जब असली शक्ल में देखे दे। और दूसरी वजह यह है मामले काम तमाम हो जाने की कि अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जब कोई काफिर किसी मुजजे का मुतालबा करता है और उस मोजे को उसके मुतालबे के मुताबिक दिखा दिया जाता है तो और फिर भी वो इनकार पर जमा रहे या कुहर पर जमा रहे तो फिर अल्लाह ताला उसको हलाक ही कर देते पिछले कौमों में यही होता रहा है। हाथ में समूद में अलैहि इस्लाम के कौम में में, के में। के कि जब उनके मुंह मांगे मुजरा दिखा दिए गए और फिर भी वो ईमान न लाए तो फिर उनको मोहलत नहीं मिली फिर उनको अजाबी में गिरफ्तार कर लिया गया तो पहली बात लकुमर के अंदर दोनों बातें दाखिल है एक तो इनके अंदर ताकत नहीं है देखने की ये उसको देखकर मर जाएंगे और ज़रूर फिर मोहलत ही नहीं मिलेगी और दूसरा ये कि हमारी सुन्नत ये है कि मोजा देखने के बाद यानी वो मुजदा जो इनका मुंह मांगा मुजदा हो उसके बाद भी अगर ये कुफर पर कायम रहे तो इनको मोहलत नहीं मिलती इनका काम तमाम कर दिया जाता है तो ये तो वो सूरत है जबकि फरिश्ता अपनी असल सूरत में आए तब तो यह हाल होगा या तो वैसे ही मर जाएंगे देखकर या लाइन को हला कर देगा और दूसरी सूरत यह है कि इंसानी शक्ल में लाया जाए फरिश्ते को ताकि उसको बर्दाश्त कर सके तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये तो इंसान है उसको फरिश्ता हम कैसे समझे रसूल कैसे माने तो भाला वो जालना हो मलकन और अगर हम उनको फरिश्ता बनाकर भेजें यानी इंसानी शक्ल में तो ला जालना हो तो इंसान ही की शक्ल में भेजने पर मजबूर होंगे क्योंकि इनके अंदर ताकत ही नहीं देखने की असल फरिश्ते तो वो इंसानी शक्ल में आएगा एक मर्द की शक्ल में आएगा वाला बस और उस सूरत में हम उन्हें उसी शोबे में डाल देंगे जिसमें आज मुबतला है ये इंसान है ये तो उसको फरिश्ता मानेंगे ही नहीं और कहेंगे जैसे अब रसूल करीम सलोला को कह रहे हैं कि ये हम जैसे इंसान है लिहाजा हम इनको कैसे माने तो उस वक्त भी ये कहेंगे तो भी लिहाजा ये इनका मुतालबा किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है फरिश्ता भेजा जाए अल्लाह तला की सुनत के भी खिलाफ है दूसरी बात यह भी है इसमें कि जो भी कहा गया कि अगर हमने फरिश्ता हम नाजिल करें अपनी असल सूरत में तो अमर काम तमाम ही हो जाए इसके दो माना तो मैंने अभी अर्ज किए तीसरे माना इसमें यह भी मुमकिन है और बाद मुफरी ने उसका जिक्र किया है कि अगर फरिश्ता आता है और फरिश्ता ऐसी चीज है के जिसको न भूख लगती है न प्यास लगती है न कोई नुकसानी ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा होती है और इनको देखता है कि ये कोई हराम तो खा रहे हैं और उनको मना करता है तो उसके जवाब में उनको यही कहना था कि भाई तुम हमें कैसे मना करते हो तुम्हें तो ना भूख लगती है न प्यास लगती है ना तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो तुम हमें ये क्या सिखाने आ गए तुम्हारे तुम्हें अगर भूख लगती प्यास लगती तुम्हारे दिल में ख्वाहिशात पैदा होती तुम्हारी इंसानी हाजतें होती तो फिर बेशक हम समझते हैं कि भाई ये तुम जो हमें हुक्म दे रहे हो ये हमारी फितरत के मुताबिक है लेकिन फरिश्ता अगर आता तो वो कहता कि ये तुम बल्कि फरिश्ता जो है हो सकता है किसी मुबाह चीज के बारे में भी ये कह देता कि तुम गलत कर रहे हो तो इसलिए उसको कोई पता ही नहीं था कि इसके अंदर इसकी बाकी ज़रूरत है इसकी बाकी हाजत है तो पता ही नहीं होता तो इसलिए वो इतनी सख्तियां करता तुम्हारे ऊपर काम तमाम ही हो जाता तुम्हारा ये तो सारी बुजू है जिसकी बिना पर हमने कोई फरिश्ता नाजिल नहीं किया अब रसूल करीम को सली दी जा रही है कि ये आपके दिल में या साहब कराम के दिल में जो ख्याल पैदा हो रहा है कि भाई इनके मुंह मुंहे मौजात दिखा दिए जाए कुत तमाम हो जाए ये कम अज कम हो सकता है कोई इनमें से ईमान ले आए तो रसूल करीम को तसली दी जा रही है कबली आप परवा ना करें क्योंकि दरक़ीकत ये तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया मजाक उड़ाया गया है और फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था जिस चीज का मजाक उड़ाया था उसी ने उनको आगे रहा लती रुबिन हम मा कानू ब जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे तो आप इनकी फिक्र में न पड़े जिस तरह पहले रसूलों ने बर्दाश्त किया उस तरह आप भी बर्दाश्त करते रहे और अल्बत्ता इनसे ये बात कह दो कुल शेरू फिल अर्थ जरा जमीन पर मैं चल फिर कर देखो जरा चलो सु फिर देखो कई फकाना आकेबतमकिन जिन लोगों ने रसूलों को जुटलाया था और इसी कस्म के एतराजात किए थे इसी कस्म के मुतालबे किए थे जैसे तुम कर रहे हो तो उनका अंजाम क्या हुआ क्योंकि अहल अरब जो हैं वो ख़ास तौर पर समूद की बस्तियों से गुजरते थे जब तजारत के लिए शाम जाते थे तो समूद की बस्तियाँ रास्ते में पड़ती थी उनको ये देखा करते थे कि जिस तरह खंडर बने हुए हैं पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई और इसी तरह बाद यमन के अंदर इनका जाना होता था तो उस यमन के अंदर भी वो हजरत कौम हाथ की का अंजाम देखा करते थे शाम जाना होता था तो लूत अलीसातलाम के बस्तियों को देखते थे कि किस तरह तबाह हुई तो भाई वहां चल के देखो उनके साथ क्या मामला हुआ अगर तुम भी उसी रबिश पर कार बंद रहोगे जिस रबिश पर वो कौमे थी तो फिर तुम्हारा अंदाज भी यही होना वह आखिर दावान